So hello everyone, this is Rishabh here. You guys are watching Rishabh Vlogs, and on this time and on this video, welcome to the new episode of POV, which is Point of View. Point of View का मेरा second नहीं third, पता नहीं number छोड़ो यार, आप लोग video पे ध्यान दो है कि नहीं. और इस video में आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ how to make your bike stand out of the crowd. तो देखते हैं ये क्या होता है. मेरा एक्सपीरियंस है वो आप लोगों से मैं शेयर करना चाहता था, और मैं आप लोगों को बताना चाहता था कि क्या है जो भी है ये रैप एंड राइड का जो रिव्यू है, मतलब मेरा एक्सपीरियंस मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता था. मैं इसलिए आज ये वीडियो बना रहा हूँ. अगर 100 गाड़ियाँ भी एक साथ खड़ी होगी KTM, तो आपकी गाड़ी एकदम स्टैंड आउट ऑफ द क्राउड दिखेगी अगर आप ये रैप यूज़ करते हैं. कोई भी रैप आपकी मर्जी का, ज़रूरी नहीं कि यही वाला रैप यूज़ करो. तो कोई भी रैप यूज़ करोगे तो आप लोगों की गाड़ी में क्या एक बहुत बड़ा मॉडिफिकेशन चेंज नहीं होगा, कोई पार्ट चेंज नहीं हो रहा है, बस उसके स्टिकर्स चेंज होंगे. जो स्टिकर्स अगर आप लोगों को पसंद नहीं भी आते हैं, अगर बाय चांस फ्यूचर में आप लोगों को गाड़ी रीसेल करनी है, तो आप लोग वापस ओरिजिनल जो स्टिकर्स है वो खरीद के अपने गाड़ी में वापस फिट करके उसको बेच सकते हैं, रीसेल कर सकते हैं. तो रीसेल वैल्यू भी डाउन नहीं होती, और एक्चुअली आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट भी करता है, बिकॉज ये एक अच्छी लेयर है प्रोटेक्शन की. स्टिकर है जिसमें स्क्रैचेस वगैरह जो होते हैं आपकी बॉडी पे नहीं पड़ते, स्टिकर पे पड़ते हैं, और स्टिकर जैसे आप निकालते हो तो आपकी बॉडी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है. समझ लो एक फ़ोन के टेम्पर ग्लास की तरह आप लोग इसको ट्रीट कर सकते हो, और आपका एक बहुत ही अच्छा अट्रैक्टिव लुक भी देगा साथ में. तो मेरा वीडियो बस यही बताने के लिए था कि अगर आप लोग सोच रहे हो कि आपकी गाड़ी को थोड़ा सा मैं ऑड बनाऊँ, सब लोग की गाड़ी जैसी नहीं दिखनी चाहिए, मेरी गाड़ी कुछ अलग दिखनी चाहिए, जैसा मैंने सोच के इस बाइक में रैप लगाया वैसे आप लोग भी रैप लगा सकते हैं. तो डू चेक दैट आउट इफ़ अगर आप लोगों को पसंद है रैप्स और जो भी है. तो रैप्स आप कोई भी नॉर्मल शॉप पे जाके, जहाँ पे स्टिकरिंग या फिर रेडियम शॉप होती है, वहाँ पे जाके आप ये स्टिकर्स लगवा सकते हैं. कोई इतना बड़ा इश्यूज़ नहीं है, कोई इतने बड़े इशू नहीं है. तो देखने के लिए शुक्रिया, मिलते हैं अगले ब्रेक के बाद. तब तक के लिए बाय बाय.